इस वजीफे से अल्लाह का रहमत, रिज़्क और दौलत आपके घर में बरसात की तरह बरसेगा। सुभान अल्लाह। एक दिन एक शख्स हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास आया और दस अदब को जोर करने लगा और हर्ष करने लगा, या महबूब इलाही, या निज़ामुद्दीन चिश्ती, मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ तक मेरा घर में खाना पीने के लिए भी नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, कोई ऐसा हमल बता है, कोई ऐसा वजीफा बता है ताकि मेरा रोजगार ठीक हो जाए और मेरा जिंदगी बदल जाए। बस इतना ही कहना था तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, सूरह जुम्हा पढ़ा करो, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में अल्लाह की रहमत और रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। और हज़रत बाबा फरीद गंज शकर बीन ने यही फरमाया कि सूरह जुम्हा आप हर जुमरात पढ़ा करो, यहाँ तक अगर आप कर सकते हो हर रात सूरह जुम्हा पढ़ा करो। बाबा फरीद ने फरमाया, मैं कभी भी अपने लिए नहीं पढ़ा हो, क्योंकि मेरा दिल में दौलत दुनिया के मोहब्बत नहीं है, दुनिया के लालच नहीं है, मैं हमेशा दूसरों के लिए ही पढ़ते हो। यह वाक्य है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद की जबान से, आमिर हसन फवाद फवाद में यह लिखा है, आश बहेश की किताब में। इसमें आपको उससे कॉपी करके आपको बताया हो, यानी झूठ नहीं है। अब इसको आश बहेश की किताब में, फवाद फवाद की किताब में, जो आमिर हसन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद था, वो अपने किताब पर यही वाक़िया को लिखा है। सूरह जुम्हा कुरान शरीफ में है, आप कुरान शरीफ जब खोलोगे सूरह जुम्हा आपको मिलेगा। अगर आपको अरबिक नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आप परेशान न हो, कुरान शरीफ यूट्यूब में भी मिल सकता है। यूट्यूब में अपने अगर आप लिख सकते हो, लिख भी दे सकते हो सूरह जुम्हा। अगर आपको लिखना भी नहीं आता है, अपने वॉइस करके जो सजू कर सकते हो सूरह जुम्हा। अगर आपको नहीं आता है, किसी हर को बताओ सूरह जुम्हा, सूरह जुम्हा को सर्च करो और इंशाल्लाह आपको मिलेगा, और सूरह जुम्हा को सुनोगी वो भी सही है। और ये भी पढ़ना, एक मरतबा या बासित या वहाब, या बासित या वहाब, 101 मरतबा हर नमाज के बाद ये भी पढ़ा करो, इंशाल्लाह आपका रिस्क में बरकत है जाएगी। अल्लाह सबको दीन दुनिया से मालूमाल करें, और यूट्यूब को भी लाइक करें, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुंच सके। तर से इंसान का हर बीमारी का इलाज, दफ जादू मरस, रिमूव द मैजिक। अल्लाह के वली हजरत शम्सुद्दीन तबरीजी ने फरमाया, मैं हूँ तो ये हजरत जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के परदादा पीर की औलादों में से हैं, और जैसा ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवानी, और उनके पीरो मुर्शिद हजरत शरीफ जंदानी, और उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा अबू मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में आपका नसब है। और सरकार का पूरा नाम जो है हजरत ख्वाजा जरीफ चिश्ती
सरकार और हिंदुस्तान के खास मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरजमी के लिए ये बाईस बरकत है। क्या वो चिश्त घराने के पहले बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज का फैज हिंदुस्तान में जारी और सारी है आज भी, और उसी ही वो चिश्त घराने के फिर बुजुर्ग हमें अता हुए और हमें फिर ये समझो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दूसरे बुजुर्ग हमें अता किए गए। तो हजरत ख्वाजा जरीफ चिश्ती, हमारे हिंदुस्तान में आपकी आमद हुई और हम हिंदुस्तान के और भाग जग गए हैं और किस्मत बुलंद हो गई है कि दूसरे खानवादाए रसूल के फर्द हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं। हरकत में मुबारक उनके लगे हुए हैं और हम गुनाहगारों की तकदीर सवर गई।